अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप तो खैरियत से होंगे। आज मैंने स्पीच याद किया स्कूल के लिए, योम दिफा के लिए। तो मैं आज आपको योम दिफा की स्पीच सुनाती हूँ। मौजूद प्रिंसिपल असाजा और मेहमतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजूद पर बात करूँगी वो है योम दिफा। योम दिफा हम इसलिए मनाते हैं कि हम दुनिया को दिखा सकें कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। 6 सितंबर 1965 की जो भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान को हमने कह दिया वाह, मुसलमानों की आदत उत्साह हो रही, फिर भी हिंदू कौम को होश ना आया कि वजह से टकरा रहे हैं। वो कौम कट तो सकती है लेकिन जुट नहीं हो सकती। आसमान बातें से डरने वाले आसमान ही हमसे बाहर कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमारी फौज की बहादुरी और जुर्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। नहीं, हमारी फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम की जुर्म की कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं जज्बों से जीती जाती है। अल्लाह ताला सारे मुल्कों को शाद आबाद रखे। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क्यामत की तैयारियों तक। हाफिज़।